शाहीन बाग पहुंच रहा हूं, अभी शाहीन बाग में अभी पहुंच रहा हूं, 20 गाड़ियों के काफिले के साथ अभी पहुंच रहा हूं शाहीन बाग में 20 गाड़ियों के काफिले के साथ। ये पता देना चाहता हूं सभी को, जो देश को मुर्दाबाद कहने के लिए बैठे हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से तोड़ने और फोड़ने के लिए जा रहा हूं। एक एक भाई वीडियो भेज दे उन शाहीन बाग वालों तक, शाहीन बाग वालों तक एक एक भाई वीडियो भेज दे। और मैं अकेला नहीं हूं इस वक्त, कम से कम 20 गाड़ियां मेरे साथ हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज, बारिश बहुत तेज हो रही है और 19 गाड़ियां मेरे साथ हैं और कम से कम 64 लड़के मेरे साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूं, अकेला नहीं है राकेश त्यागी, कहीं कोई ये समझ रहा हो कोई शाहीन बाग वाला गद्दार कन्हैया कुमार जैसा भीम आर्मी के रावण जैसा जो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। बख्शा नहीं जाएगा उन लोगों को। आज बारिश हो रही है, मैं भी देखता हूं वो लोग टेंट में बैठते हैं या हमारे जाने के बाद वहां से भागते हैं। और राकेश त्यागी पीछे हटने वालों में से नहीं है, जो कह दिया वो करेगा और आज ही करेगा। बारिश हो रही है, बीच में जाम लग सकता है, लेकिन जाम हमारे जाम हो या कोई भी बात हो, हमारी ताकत को हमारे हौसले को हम आगे चलते रहेंगे। हम दिल्ली पुलिस से सस्पेंड इसलिए नहीं हुए हैं अपने घर में रोटियां तोड़ने के लिए, जैसे मैं अपनी लाइव वीडियो में हर बार कहता हूं, गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं बन जाते। वंदे मातरम वही लोग गाते हैं जिनके दिलों में क्रांतिकारी जज्बा होता है। और आज मैं दिखाता हूं आपको ताकत शाहीन बाग में जाके। सबको फोन करते रहना, सारी इकट्ठी चलेंगी। हाँ बोलता हूं। जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं 500 रुपये लेकर, 500 रुपये लेकर जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, और ध्यान रखना गाड़ी खुद चला रहा हूं, मैं गाड़ी खुद चला रहा हूं और मेरा ध्यान गाड़ी की तरफ भी है और आपकी तरफ भी है, क्योंकि मेरी जो इंद्रियां है ना उनको मैंने अपने वश में कर रखा, अपने मूलाधार चक्र को, अपने अनाहत चक्र को, अपने विशुद्ध चक्र को, अपने शस्त्रधार चक्र को, अपने आज्ञा चक्र को अपने वश में कर रखा है। और जब मैं 10 मिनट दिन में सोता हूं तो मुझे संकेत मिलता है कि ये काम करना है, और करना है तो करना है, आज ही करना है, इसी वक्त करना है। कल का कोई इंतजार नहीं, कोई डेट निश्चित नहीं, 8 तारीख 9 तारीख 6 तारीख आज ही करना है। लेकिन अगर ये वीडियो मेरी पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस मुझे वहां पर लेक्चर देने से, उन लोगों को ठोकने से मना करती है और मेरे खिलाफ FIR दर्ज होती है तो और मजा आएगा। इधर मोड़ना है ना, यही मोड़ना है, यहीं से मोड़ लियो यहीं से। हाँ सारी गाड़ियों को बोल दो, एक गाड़ी एक लड़के को बोल दो, सारी गाड़ियों को बोलेंगे यहीं से टच करना पीछे से। ये मैं बता देना चाहता हूं खुल के कि आज शाहीन बाग में जो होगा तांडव मचेगा शाहीन बाग में। आज हम कोई डेट निश्चित नहीं करते कि हम वहां जाएंगे उस दिन वो काम करेंगे, आज ही करेंगे, इसी वक्त करेंगे। और राकेश त्यागी जो कहता है वो करता ही है, आपको पता है इस बात का। जब एक FIR हो गई, जब एक FIR हो गई तो 20 FIR लेने के लिए राकेश त्यागी है। राकेश त्यागी ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की नौकरी से सस्पेंड किया गया, अपनी रोटियां तोड़ने के लिए नहीं किया गया। आज शाहीन बाग में तांडव होगा, या तो वो रहेंगे, वो तो खैर नहीं रहेंगे, हम ही रहेंगे जो लोग इस वक्त शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, उनको बोल देना राकेश त्यागी आ रहा है 20 गाड़ियों के काफिले के साथ
और 70 लड़कों को साथ लेके, कोई ये ना समझे कि राकेश त्यागी अकेला है, कोई ये ना समझे कि राकेश त्यागी अकेला है। वो कन्हैया कुमार जैसे, वो भीम आर्मी के रावण जैसे, वो जो लोग कहते हैं ना कि हम 100 से 200 शाहीन बाग हजारों बना देंगे, तो शाहीन बाग जहां जहां तू बनाएगा भीम आर्मी के रावण, वहां वहां राकेश त्यागी पहुंचेगा। सबको बोल दिया, इधर से बोल दिया। आज छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। 500 रुपये में लेने वाले ये तल्ले बिकने वाले लोग अपनी भारतीय संस्कृति को जानते रहे हैं। गलत ले लिया, कोई नहीं आगे से लिया। अपनी भारतीय संस्कृति को जानते नहीं है और एक मिनट साइड में सबसे बोल दे, एक बार गाड़ी में रोक लेंगे सबसे पीछे, बोल दे एक बार फोन करके, फोन करके बोल दे। हाँ इस रेड लाइट से मोड़ लियो। हाँ सबको बोल दे एक बार, वहीं रुक जाएंगे। हाँ यहीं पे रुक जाओ, गाड़ी के पीछे। हाँ पीछे ही रुकना। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस वक्त लाइव के माध्यम से 3,500 व्यक्ति देख रहे हैं और जहां तक मेरा ख्याल और अंदाजा है कि इस वीडियो को शाहीन बाग वाले भी देख रहे होंगे। शाहीन बाग वाले और जो लोग ये समझते हैं ना राकेश त्यागी दिल्ली से पुलिस से सस्पेंड हुआ है और ताली बजा रहे हैं, आज मेरा आईओ का फोन आया, वो क्या कहता है कि सर हम आपका लैपटॉप नहीं दे सकते, हम आपका मोबाइल नहीं दे सकते, फोरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया है, क्योंकि वो जानते हैं राकेश त्यागी की पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है। नरेंद्र मोदी का बॉडीगार्ड रहा है राकेश त्यागी, नरेंद्र मोदी का बॉडीगार्ड रहा है। एक एक भाई भेज दे इस वीडियो को उन लोगों के पास, 4,000 व्यक्ति जुड़ चुके हैं। ये आपकी ताकत है कि शाहीन बाग में जो जो बैठे हुए हैं ना इस वक्त, उनको बता देना चाहता हूं कि अब से सही 1.5 घंटे के बाद, सही 1.5 घंटे और सवा, क्योंकि जाम लगा हुआ, बारिश बहुत तेज हो रही है, सही 1.5 और 1.25 घंटे के बीच में मैं वहां पहुंच जाऊंगा अपने 70 लड़कों के साथ लेकर, जो 19 गाड़ियां मेरे पीछे खड़ी हुई हैं, और उनको वो जवाब दूंगा आज उनको। वहां पर मैं भगवत गीता के लेक्चर नहीं सुनाऊंगा। अगर मुझे पुलिस ने वहां गिरफ्तार कर लिया तो बात अलग है, अगर मुझे पुलिस ने वहां 1 घंटा बैठा लिया तो बात अलग है, अगर वहां से वो शाहीन बाग वाले बारिश की वजह से हट गए तो बात अलग है, लेकिन शाहीन बाग में जाएंगे जरूर, शाहीन बाग में जाएंगे जरूर, चाहे कुछ हो जाए। शाहीन बाग में बैठने वाले वो 500 रुपए के वो दल्ले जो अपने भारत में हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की रोटी खाकर 5,000 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, 10,000 तक करो इस संख्या को और पहुंचाओ, मैं तभी चलूंगा यहां से क्योंकि अभी जाम लगा हुआ है। जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, ये वीडियो सीधा उनके पास जाना चाहिए। बॉस हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की रोटी, हमारे देश का व्यापार, हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 का, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 का बनाया हुआ, हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 की बनाई हुई, हमारे देश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1924 की बनाई हुई, हमारे देश की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, हमारे देश की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, हमारे देश की विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी, 6,000 व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को। आज के आज इसी वक्त शाहीन बाग में पहुंचना होगा और ये वीडियो पहुंचेगी और पहुंच रही है, उससे पहले, पहुंचने से पहले राकेश त्यागी वहां तक पहुंच जाएगा। और इस वक्त अगर कोई शाहीन बाग वाला व्यक्ति देख रहा है तो इस आवाज को सुन ले, ये राकेश त्यागी सब इंस्पेक्टर की आवाज है। राकेश त्यागी को सब इंस्पेक्टर की नौकरी से सस्पेंड किया गया भारत माता की जय बोलने पे, तो अभी मैं राकेश त्यागी को अरेस्ट किया जाएगा वहां पर राकेश त्यागी को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो ये 70 लड़के मेरे साथ है ना बॉडी बिल्डर, दिखा देता हूँ, ये बैठे बॉडी बिल्डर, ये लड़के वहां पर जाकर तहस नहस कर देंगे एक एक व्यक्ति को, लेकिन इनसे पहले मैं बैठा हुआ हूँ,
इनसे पहले मैं हूँ, सबसे आगे मैं चलूंगा, क्योंकि मन की ताकत सबसे बड़ी होती है। मन की, मन से जीत, मन से हार, मन ही शक्ति, मन ही भगवान। मन जो चाहे और हर हालत में चाहिए उसे प्राप्त करके ही रहता है। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के लिए चाहिए हमें, हमें हिंदुस्तान को जिताना है, हमें शाहीन बाग वाले जैसे देशद्रोहियों को उखाड़ कर फेंकना है दोस्तों। और ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। राकेश त्यागी सस्पेंड हुआ तो इसलिए नहीं हुआ, अपनी रोटियां कमाने के लिए 7,000 व्यक्ति देख रहे हैं, 10,000 तक ये जब संख्या पहुंचेगी उसके बाद मैं इस लाइव वीडियो को बंद करूंगा, उसके बाद मैं इस लाइव वीडियो को बंद करूंगा, क्योंकि मैं किसी से बताता नहीं हूं कोई काम करने से पहले कि हम 8 तारीख को पहुंचेंगे, हम 6 तारीख को पहुंचेंगे, हम 10 तारीख को पहुंचेंगे। क्यों भाई, तुम्हें आज तुम्हारी फटती है क्या? आज तुम्हारी ऐसी की तैसी होती है क्या? वो देशद्रोही जो कहते हैं कि हम आज पहुंचेंगे शाहीन बाग में, हम इतनी तारीख को पहुंचेंगे, तो आज क्या दिक्कत है? कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। उनको फोन कर दे कि अभी 10-5 मिनट और रुकेंगे, यहीं से बोलते फोन पे ऐसे ही। तो आज के आज ही होगा फैसला ऑन द स्पॉट। कुछ एड़े आएंगे, एड़े सर फिरे आएंगे मेरे जैसे अभी एक घंटे में, कुछ एड़े खाकी वर्दी वाले बिना खाकी वर्दी के पहुंच रहे हैं वहां पर शाहीन बाग में, और उस बाग को कुत्ता बना देंगे, मार मार के कुत्ता बना देंगे, जो वहां पर 500-500 रुपये लेके और दारू के चक्कर में वहां पर लोग बैठे हुए हैं। ऐसे गद्दारों को सबक देना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है भाई। ज्यादा आगे मत निकलिए, इधर ही खड़े रहे। हाँ, यही पे। हाँ, ज्यादा आगे नहीं करना भाई। हाँ, यहीं से निकलेंगे। हाँ, सबको बोलते 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद सीधा वहीं पहुंचेंगे। 5 मिनट में निकल रहे हैं। जो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ना, शाहीन बाग में अभी एक आप क्या टाइम हुआ? गाड़ी बंद मत कर। 7:27 हुए हैं, 7:27 और करीबन 9 बजे से पहले अगर बीच में जाम नहीं लगता तो मैं वहां पहुंच रहा हूँ सीधा, अभी पहुंच रहा हूँ अभी। और बीच में इसलिए रुका हूं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आगे दिखाई नहीं दे रहा कुछ, आगे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए गाड़ी चलाना घातक हो सकता है। 9,000 व्यक्ति देख रहे हैं, 10,000 व्यक्ति जब जुड़ेंगे तब मैं समझ जाऊंगा मेरी वीडियो कन्हैया कुमार तक, शाहीन बाग वागे भीम आर्मी तक पहुंच रही है। मैं एक व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, ये मैं बता देता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस का थानेदार हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं इन लोगों को, इन टपोरियों के, इन एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को। मैं निकोला टेस्ला के उन हंस सिद्धांतों को जानता हूं कि सबसे पहले कोई काम करने से पहले अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को चेक करो, कहीं कोई डर तो नहीं लग रहा। लेकिन डर, एक डर कुछ नहीं है राकेश त्यागी के सामने। डर ने घुटने टेक दिए हैं, मौत ने घुटने टेक दिए हैं राकेश त्यागी जैसे दोस्तों के सामने और आपके सामने। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं शाहीन बाग वाले, समझ लें आधे घंटे के मुझे अंदर 11 बजे से बाहर 11:10 9:30 से पहले वो शाहीन बाग खाली चाहिए हर हालत में। जय हिंद, वंदे मातरम। 10,000 व्यक्ति जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। 9 बजे का इंतजार कीजिए अब।